किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, PSB, एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्म जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चलित एवं हस्त चालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, आप मन जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हा बेरा बेरा में अपन खेती के माध्यम से बहुत बढ़िया लाभ कमावत रहते। यानी कोनो किसान भाई है धान के फसल करत है, कोनो हा चना के खेती करत है, और ओकर बाद हमारे आज बड़े पैमाना में बहुत अकन रकबा में हमारे किसान भाई मन हा सब्जी के खेती करत है। किसान भाई हो, आप मन मतलब बता दूँ कि सब्जी के खेती में आज बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। और वो सब्जी के खेती में अगर कहूँ मिर्चा के बात हो संगवारी हो, आपन देखा था मिर्चा के अगर खेती करना है तो और बहुत ज़्यादा लाभ है। काबर लाभ है कि मिर्चा लगाए के बाद वोकर फल जब शुरू हो जाते तो बहुत दिन तक वोकर फल मिलते। तब मिर्चा के जब खेती करना है तो कैसे ढंग के पहली बात कर लिया जाए भूमि के तैयारी के, कैसे ढंग के भूमि की तैयारी करे जाए, काबर बहुत बढ़िया ढंग से गहरा जोताई करे जाए, खासकर गर्मी के दिन में जोताई करके छोड़ दिया जाए, जेकर से कीड़ा के जौन अंडा रहते जौन आगे चल के कीड़ा बन जाते हो नुकसान पहुँचाते, वो कीड़ा के अंडा हम मर जाते नष्ट हो जाते, खरपतवार घला नहीं हो खरपतवार घलो मर जाते। यानी भूमि की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है संगवारी, बल्कि गहरा जोताई के साथ साथ हमारे किसान भाई मन हा जैसे हम आज वर्मी कंपोस्ट खाद के बात करते हैं तो खाद बढ़िया ढंग से मिला दे। अब मिर्ची की खेती करना है तो का बात के सावधानी रखना चाहिए, का बात के जानकारी रखना चाहिए ताकि मिर्ची की खेती लगकर के लाभ हमन हा बहुत बढ़िया ढंग से कमा सकन। तो वैज्ञानिक खेती करना है, आधुनिक खेती करना है, मिर्ची की खेती लाभ कमाना है संगवारी, तो देखथन कैसे करन, कैसे का बात के जानकारी रखन, देखथन मिर्ची की खेती के उन्नत जानकारी। मिर्च सोलेंसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांश युक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी तरह से लगाई जा रही है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए, साथ ही इसी वक्त कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। किसान भाई हो, आजकल ये बात दिखे जाते है कि जैसे अब युद्ध हो ही दुनिया में तो पानी बर हो ही, पानी के अतका कमी हो जाते, तो पानी कीमत ल समझे लागी, पानी कीमत आ जाने लगी। अब पानी के संरक्षण और समर्थन तो करना ही है, लेकिन अब खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का आवश्यकता पड़ते। लेकिन हमन का करथन कि जैसे पानी हमार करहे थे मन पहाटा पलो देथन, यानी ये हरे पानी के बर्बादी। जब पानी ल पहाटा हमन पलो देथन तो का होती कि वह खरपतवार घलो ज़्यादा होते और पानी घला बर्बाद होते, यानी हमार नुकसान के ही वो सौदा एक प्रकार के कहे जाए तो। लेकिन अगर पानी के प्रबंधन ला, जल के प्रबंधन ला, अगर हमन जिसे ड्रिप इरिगेशन के बात करते हैं, यानी बूंद बूंद पानी के संरक्षण घलो जाते, संवर्धन घलो जाते और उपयोग घला हो जाते, यानी पानी कीमत ये माँ हमन हा समझ सकते हैं। तो पानी ला ड्रिप इरिगेशन से अगर पलो जाए मिर्ची की खेती में तो कैसे रही संगवारी, यानी ड्रिप इरिगेशन सबसे फायदा के बात होते, तो देखथन जल प्रबंधन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहाँ पौधे की बढ़ावार रुक जाती है वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति का प्रयोग किया जा सके तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है, जिससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। किसान भाई हो, जैसे कि हम खाद के बात करते हैं कि खातु कैसे डालना चाहिए, जैसे रासायनिक
खाद हमन उपयोग करथन, हमर वैज्ञानिक मन बताते, आरयू मन बताते, और ये प्रमाणित घला हो चुके कि रासायनिक खाद अंधाधुंध डारे से मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते और जमीन कठोर हो जाते। तो एक स्थिति हमला का करना चाहिए कि अगर मान लो जरूरत है तो धीरे धीरे रासायनिक खाद का उपयोग कम करन, और जैविक खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, नेडेप खाद, जैसे कचरा पाना पतौआ जौन परे हवा ओला हमन बहुत बढ़िया ढंग से नेडेप खाद बना सकथन, और ओमा पैसा घलो नहीं लागे, हमर घर के वो कचरा हरे, घर के गोबर हरे, पैसा घलो बांचते और बहुत बढ़िया ढंग से मिट्टी के उर्वरा शक्ति घलो बने रहते संगवारी हो। तो खाद प्रबंधन में जैसे जोताई के समय खाद गोबर खाद डाल देना चाहिए, ओकर बाद कब कब कैसे कैसे कतका कतका मात्रा में खाद के उपयोग करना है ये बात भी मिर्चा खेती में जाने की जरूरत है संगवारी हो। तो देखथन खाद प्रबंधन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम स्फुर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। किसान भाई हो, हम बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत करें, बहुत बढ़िया ढंग से नर्सरी तैयार करें, बहुत बढ़िया ढंग से मादा तैयार करें, बढ़िया ढंग से मिर्ची के पौधा लगाएं, बढ़िया खाद डालें और पानी के प्रबंधन घलो मन अच्छा ढंग से करें। अब ओकर बात कहूँ बीमारी आ गई, जैसे कि चुर्रा मुर्रा रोग, उकटा रोग जन लगते, ऐसे मिर्ची की खेती में बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगे, लेकिन मौसम अगर अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो गए, मौसम अगर खराब हो गए तो बीमारी ज़्यादा लगे के संभावना आती। तो मान लो कहूँ बीमारी आ गए तो पूरा हमार मेहनत ला खराब कर देते, बर्बाद कर देते, हमारे उत्पादन ला प्रभावित करते, यानी किसान के कमर टूट जाते अगर बीमारी लग जाते। तो संगवारी एला हमला जानना है और कैसे जान के कौन सा दवाई उपयोग करना है ये बात के हमला जानकारी होना चाहिए संगवारी हो। तो देखथन कीट प्रबंधन। अपने मिर्च की फसल को कीट और रोगों से बचाए रखना बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में दो प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला के लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती है और एक ओर मुड़ जाती है, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में बहुत कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटे सफेद मक्खी जो बिमीसिया टेबेकाई कहलाती है द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधे को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी या इंडोसल्फान 35 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते हैं और ऐसा 5 से 6 दफा किया जाता है। मिर्च के दूसरे रोग का नाम है एल्थ्रेक्नोज या श्यामवर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35 प्रतिशत तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाई बैक या शीर्षरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इनका प्रसार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग हैं। इनके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से
मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधे को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। खेलाए भौरा गिया मो, खेलाए भौरा गिया मो, हाय खेलाए भौरा, खेलाए भौरा गिया मोर, खेलाए भौरा गिया मोर, खेलाए भौरा, खेलाए भौरा गिया मोर, खेलाए भौरा गिया मोर, खेलाए भौरा, खेलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खेलाए भौरा, खेलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खेलाए भौरा। चंदा चंदनी अंजोरी हवरा हो, चंदा चंदनी अंजोरी हवरा, तह जिंदगी जिए के है, जिंदगी जिए के बता दे मोला बात, है खिलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खेलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खेलाए भौरा। रुखवा के ऊपर ले मना बोला थे हो, रुखवा के ऊपर ले मना बोला थे, मुरमाढ़े दर्द मा अगिन खोला थे, है खिलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खिलाए भौरा, खेलाए भौरा गिया मोर, माते फुलवारी मा खेलाए भौरा।
खेलाए भौरा गिया मोर खेलाए भौरा गिया मोर खेलाए भौरा खेलाए भौरा गिया मोर खेलाए भौरा गिया मोर खेलाए भौरा खेलाए भौरा गिया मोर माते फुलवारी मा खेलाए भौरा खेलाए भौरा गिया मोर माते फुलवारी मा खेलाए भौरा। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें कि कैसे मिर्ची के उन्नत खेती करना है, वैज्ञानिक मन बतीस वो आधार में करना है बढ़िया ढंग से फायदा के खेती। और मिर्चा के खेती है, जैसे कहे जाते ना मसाला में सबसे अगर राजा कौन हरे तो मिर्चा। और अगर हमारे घर में बढ़िया ढंग से हम भोजन तैयार करें, सब्जी बहुत बढ़िया ढंग से तैयार करें, हरदी डालें, ओमा नमक डालें, बढ़िया ढंग से तेल का उपयोग करें, और कहूँ मिर्चा नहीं डराए संगवारी, अगर नहीं है कहूँ ओमा मिर्ची तो नजर हो जाती है गुस्सक मारी तिरछी, यानी मिर्ची के बगैर मजा नहीं है हमारे व्यंजन संगवारी जायका। तो एक सेती बहुत फायदे के खेती होते हैं मिर्चा के खेती। तो ये मिर्चा खेती के बारे में अपन जानकारी लो, अवैया बेरा मान नवा जानकारी नवा विधि नवा तकनीक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।